वेलगेस 2022 के अंदर फ्री और फास्ट सर्विस की वजह से जुपिटर मनी काफी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। भाई अगर आप जुपिटर मनी के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर चुके हो या फिर ओपन करने वाले हो, तब आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फ्री सर्विस और हिडन चार्जेस के नाम पे आपसे कितने ज्यादा पैसे वसूले जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जुपिटर मनी का पूरा जांच पड़ताल किया जाएगा। तो फिर चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो इसके लिए आपके पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आप इसमें अकाउंट इजिली ओपन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटी की। तो जो ये वाला अकाउंट है आप घर बैठे ही ओपन कर सकते हो। अब यार ऑब्वियस सी बात है, इसकी कोई ब्रांच है ही नहीं, तो आप जाओगे कहाँ। फुल केवाईसी आपकी घर पे ही हो जाएगी। जीरो बैलेंस का अकाउंट मिलता है लाइफ टाइम के लिए, और जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको इसमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है और कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इसे लाइफ टाइम के लिए एज ए जीरो बैलेंस अकाउंट यूज कर सकते हो। आप अपनी सेविंग के ऊपर इसमें 2.5% का इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हो पर एनम। तो अभी बात करते हैं डेबिट कार्ड की। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे आपको उसी वक्त एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा जो कि फ्री रहेगा, और उसके बाद ठीक 7 दिन के अंदर आपको अपने घर पे एक फिजिकल डेबिट कार्ड डिलीवर हो जाएगा। और ये जो फिजिकल वाला डेबिट कार्ड है इसकी नहीं तो कोई AMC चार्जेस, ना ही कोई इशू करवाने का चार्ज है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ये जो फिजिकल वाला डेबिट कार्ड है वो यूं समझ लो आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। और इस वाले डेबिट कार्ड से अगर आप फेडरल बैंक के ATM से कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो वो आपको फ्री मिलेंगी अनलिमिटेड। बट अगर आपका ATM दूसरे बैंक का है तो आपको वहां पे 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी, उसके बाद ₹21 पर विड्रॉ आपका चार्ज लगेगा। और अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको यहाँ पे ₹11 चार्ज देना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डेबिट कार्ड है वो वीजा की तरफ से आता है, तो अगर भूले भटके कभी इंटरनेशनल ATM से विड्रॉ करने लगे तो उसके भी चार्जेस सुन लो। पर विड्रॉ यहाँ पे आपको ₹100 प्लस में 3.5% फॉरेक्स फीस देनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखना। और अगर आप ATM से विड्रॉ करते हो और इनसफिशियंट फंड होने के कारण अगर आपकी वो ट्रांजेक्शन डिनाई हो जाती है, तो उस केस में अगर आप फेडरल बैंक ATM से करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही ATM किसी दूसरे बैंक अकाउंट का है तब आपको ₹25 देने पड़ेंगे हर ट्रांजेक्शन के। अब बात करते हैं चेकबुक की। तो यहाँ पे सबसे पहले चेकबुक अप्लाई करने के लिए आप फुल KYC यूजर होने चाहिए, और जुपिटर मनी की तरफ से आपको 5 पेज की चेकबुक फ्री दी जाती है। अभी बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर की। तो अगर आप NEFT या फिर RTGS करते हो तो आपको दोनों सर्विस फ्री मिलेंगी। लेकिन अगर आप IMPS करते हो तो आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेंगी हर महीने। लेकिन अगर आप 5 के बाद 6 ट्रांजेक्शन करते हो जो कि ₹1,000 से 1,00,000 के बीच में, तब आपको वहाँ पे ₹5 देना पड़ेगा। 1,00,000 से 2,00,000 के बीच में तब आपको ₹15 चार्ज देना पड़ेगा। अगर वो अबव 2,00,000 है तो आपको ₹70 पर ट्रांजेक्शन का चार्ज देना पड़ेगा IMPS के केस में। इस बैंक अकाउंट में आपको एक सबसे तगड़ा ऑप्शन और मिलता है रिवॉर्ड का। जब आप अपने UPI या फिर डेबिट कार्ड से कुछ भी स्पेंड करते हो किसी भी मर्चेंट के पास, तब आपको वहाँ पे 1% का कैशबैक मिलेगा, जिसे कि आप रियल मनी में भी कन्वर्ट करके अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। तो भाई ये बहुत ही तगड़ा ऑफर लगा मेरे को इनका। तो एट दी एंड हमने ये देख लिया कि सर्विस इसकी बहुत ही ज़्यादा सही है और चार्जेस बहुत ही कम है। लेकिन भाई सबसे मेन सवाल ये आता है किसी भी पर्सन का कि चलो मान लिया हमने इसमें अकाउंट भी ओपन कर लिया, लेकिन जो हमारी फंडिंग है वो कितनी ज़्यादा सिक्योर है। तो भाई देखो, ये जो बैंक अकाउंट है इसकी कोई भी अपनी फिजिकल ब्रांच नहीं है, जैसा कि मैंने बता दिया था। ये जो पूरा बैंक है वो ऑनलाइन ही है, ये समझ लो आप। लेकिन ये कनेक्ट है अपने ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट फेडरल बैंक से, और जो फेडरल बैंक अकाउंट है वहाँ पे आपको 5,00,000 तक की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। और इसी वजह से इस बैंक अकाउंट के अंदर आपको 5,00,000 तक का इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आपके बैंक के साथ कल कुछ भी फेलियर होता है तब आपको 5,00,000 तक का क्लेम मिल सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके बैंक अकाउंट में 3,00,000 थे तो 3,00,000 मिलेंगे, 5,00,000 थे तो 5,00,000 मिलेंगे, और 7,00,000 थे तो भी 5,00,000 ही मिलेंगे। मैक्सिमम 5,00,000 तक का ही क्लेम मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे एक बार ध्यान से सुन लेना कि ये बैंक अकाउंट कितना भी बढ़िया हो, आप इसे कभी भी अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट मत बनाना अभी के लिए। इसे अपना एज ए सेकेंडरी बैंक अकाउंट यूज कर सकते हो, गूगल पे फोन पे में वगैरह, ये मस्त चलेगा ये, और उसके लिए सही भी है ये। एंड गाइस अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो एक टॉप क्लास का जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट चूज करने में, तब आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।